हाय गाइस, यार शीतल, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑन द चैनल द ऑटो ज्ञानी। तो आज हम अपनी टियागो की लेके आए हैं थर्ड सर्विस पे, एसआरएम मोटर्स रिंग रोड पे आए हैं। और इसका पहले मैंने एक टिगोर की सर्विस का एक्सपीरियंस किया था, जिसको मैं यहाँ कहीं आई बटन में लिंक कर दूंगा, आप जाकर के देख सकते हैं। तो अभी गाड़ी हमारी चली है 1800-1900 किलोमीटर के आसपास और थर्ड सर्विस पे लेकर के आए हैं। जॉब कार्ड बन चुका है, जॉब कार्ड में बेसिक सर्विसिंग पे जो होता है, ऑयल चेंज, सारी चीज़ें जो कुछ भी चेंज होने हैं, ऑयल फिल्टर हो गया, एयर जितने भी फिल्टर्स चेक होने हैं, चेंज होने हैं, जो कुछ भी जैसा भी जितना भी होता रहेगा, प्राइस बाय प्राइस। और आखिरी में मैं जुर्माना भी दिखाऊंगा कि इसका जुर्माना कितना लगा, टियागो की थर्ड सर्विस का जुर्माना कितना देना पड़ेगा अगर आप टियागो लेने की सोच रहे हो तो। और ये वन ईयर के बाद ये सर्विस होती है, किलोमीटर्स मुझे एग्जैक्ट याद नहीं कितने किलोमीटर्स पे शेड्यूल्ड होती है, लेकिन क्योंकि या तो एक साल या तो उतने किलोमीटर्स, तो मेरे किलोमीटर्स तो उतने पूरे नहीं हुए लेकिन साल कंप्लीट हो गया है। तो आज इसकी सर्विस होने जा रही है, 1800 कुछ के आसपास किलोमीटर चल चुकी है और देखते हैं क्या क्या होता है, कितनी चीजें चेंज होनी है, क्या नहीं होनी है, रिप्लेस होगी कि नहीं होगी, क्योंकि ज़्यादा चली नहीं है तो आई थिंक कि फिल्टर वगैरह जो है वो शायद चेंज ना हो, क्योंकि रिकमेंडेशन 15,000-30,000 किलोमीटर के बाद होता है। तो देखते हैं, जो कुछ भी जैसा भी होगा वो सारी चीज़ें मैं अपडेट करता रहूँगा विद प्राइसिंग कि कितना प्राइस आया है और टोटल खर्चा कितना आता है इस सर्विस के बाद। तो चलते हैं गाड़ी को लेकर के नीचे। और अभी आप देख सकते हो यहाँ पर गाड़ी लगी हुई है, 1800 कुछ के आसपास किलोमीटर चल चुकी है। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो 1898 किलोमीटर चल चुकी है और यहाँ पर लाइन लगी हुई है अभी गाइज। तो और यहाँ पर है हमारा एसआरएम का सेल्स वाला हिस्सा इधर है और सर्विस वाला हिस्सा इधर है। तो चलते हैं, परमिशन वगैरह सारी हो गई है वीडियो के लिए, तो स्टार्ट करते हैं यहाँ का प्रोसीजर। मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा क्योंकि इन लोगों को भी सब देखना होता है। तो चलते हैं अब इसको लेकर के अंदर और देखते हैं, जितना जो कुछ भी होगा मैं सब आपको अपडेट करता रहूँगा। तो पहली चीज़ जो आप यहाँ पर देख रहे हो, इसका एयर फिल्टर का जो चैम्बर है वो खोला जा रहा है और इसी के अंदर होता है हमारी गाड़ी का एयर फिल्टर। तो इसको निकाल करके अभी देखेंगे कि ये क्लीन है। अब मेरे हिसाब से इसमें रिप्लेसमेंट की ज़रूरत तो नहीं है और जैसा कि आप देख रहे हो यहाँ पर ये बिल्कुल क्लीन निकल के आया है। तो इसको सिर्फ हवा वगैरह डाल करके क्लियर किया गया है और उसके बाद इसको वापस से इसकी जगह पर लगाया जा रहा है, ये रिप्लेस नहीं होगा। और दूसरी चीज़ की तरफ हम बढ़ेंगे तो दूसरी चीज़ की तरफ में हमारा आता है ऑयल फिल्टर, जो कि नीचे होता है। हालांकि रिकमेंडेड होता है 15,000 किलोमीटर्स पे, लेकिन ये लोग जो हैं या कोई भी ब्रांड होता है उसको चेंज करता ही करता है, क्योंकि उसमें फिर टर्म्स एंड कंडीशंस वॉइड हो जाते हैं। अगर आप वारंटी की तरफ जाओगे तो वारंटी आपकी गाड़ी की वॉइड हो जाती है, कंपनी के कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं, उस हिसाब से आपको काम करना पड़ेगा। अगर आपको वारंटी क्लेम करनी है तो आपको आपका जो सर्विस है और सारी चीज़ें जो रिप्लेसमेंट और जो चेक होनी है वो शेड्यूल के हिसाब से ही होनी चाहिए। डजंट मैटर आपकी गाड़ी चल रही है या नहीं चल रही है, लेकिन अगर आपको सर्विस करानी है तो आपकी जो मैनुअल के हिसाब से चीज़ें दी गई हैं, अगर आपको फ्यूचर में कोई दिक्कत नहीं चाहिए तो वो चेंज होंगी ही होंगी। एक चीज़ मैं और ऐड करना चाहूँगा, मैंने इसमें भी एक सिल्वर AMC ले रखा है, जिसमें मेरे को पार्ट्स का और बाकी सारी चीज़ों का पैसा नहीं देना पड़ेगा, वो सारा का सारा उसी में कवर्ड होगा। तो जो कि मेरे को पड़ी है 3409 रुपये की, और बाकी देखते हैं आगे क्या होता है। तो आई गेस अभी इसका जो लेवल रेस किया जा रहा है, जैसा कि आप देख रहे हो, तो अभी यहाँ पर ड्रेन बोल्ट जो है इसको खोल करके जो हमारा पुराना इंजन ऑयल है उसको निकाला जाएगा। ये आप देख सकते हो इसमें से जो पुराना इंजन ऑयल है वो निकल रहा है, हालांकि अभी उतना यूज़ नहीं हुआ था, यूज़ क्या कुछ भी यूज़ नहीं हुआ था, लेकिन चेंज होना है तो चेंज इसको करना ही पड़ेगा। जैसा कि आप देख रहे हो अभी कलर भी इसका बिल्कुल रेड है, और मतलब बिल्कुल चेंज होने की ज़रूरत नहीं थी। 1800 किलोमीटर और रिकमेंडेशन होता है 15,000 किलोमीटर, तो आप समझ ही सकते हो कि कितना चेंज होने की ज़रूरत थी, लेकिन अगर वारंटी और बाकी सारी चीज़ों का इशू है तो मैंने भी फिर उसमें ज़्यादा दखल नहीं दी। और ठीक है यार, मतलब जब आप गाड़ी लेकर के चल रहे हो तो अगर 3,500-4,000 रुपये अगर आपका सर्विस कॉस्ट आ रहा है साल भर में, तो मेरे हिसाब से कोई बिग डील नहीं है, आपको करा लेना चाहिए। हालांकि कुछ लोग बहस करते हैं तो सर्विस सेंटर नहीं डालता है, लेकिन वो आपकी सर्विस रिकॉर्ड में मेंशन कर देगा कि आपने पर्टिकुलर सर्विस पे पर्टिकुलर स्टेप या पर्टिकुलर प्रोसीजर मिस किया था, तो उस वजह से अगर आप आगे कभी क्लेम डालने जाओगे तो फिर कंपनी उसको बीच में ले आती है आड़े। और ऑयल चेंज होने के बाद, इसमें ऑयल ड्रेन होने के बाद आपके नीचे की साइड जितने भी बोल्ट्स होते हैं आपके नीचे एरिया में, वो सारे के सारे बोल्ट्स टाइट किए जाते हैं। तो बोल्ट्स वगैरह और सारी चीज़ें चेक होने के बाद अभी जो आप देख रहे हो यहाँ पर टायर रिमूव किए जा रहे हैं, टायर रिमूव किए जाएंगे, उसके बाद ये टायर जाएंगे नीचे की तरफ बैलेंसिंग के लिए, और फिर जब बैलेंस होकर के आएंगे तो उसके बाद जाएगा ये पूरी गाड़ी नीचे जाएगी अलाइनमेंट होने के लिए। तो अभी जो आप देख रहे हो इसका टायर रिमूव किया जा रहा है, और उसके बाद जो इसका ब्रेक पैड्स वगैरह होते हैं उनको निकाल करके देखा जाएगा कि साफ़ है कि नहीं। तो मैकेनिक को पता नहीं था कि कितने किलोमीटर गाड़ी चली है, बाद में जब जॉब कार्ड पे देखा कि 1800-1900 किलोमीटर चली है तो उन्होंने बोला कि इसमें रबिंग की ज़रूरत नहीं है, इसको रब करने की ज़रूरत नहीं है, ये अभी चलेंगे।
तो इसलिए वजह से इसमें जो हमारा जो होता है सैंडिंग का प्रोसेस, जिसमें बोलते हैं घिसाई की जाती है आपके पैड्स की, वो वाला प्रोसीजर इसमें स्किप किया गया था। तो अब चलते हैं इसको लेकर के नीचे और आपको पूरा दिखाते हैं कि क्या क्या बैलेंसिंग में प्रोसीजर होते हैं, क्या वेट्स होते हैं, कितना वेट होता है। तो अलाइनमेंट बैलेंसिंग चलने से पहले मैंने बोला कि आप पहले ऑयल और बाकी सारी चीज़ें जो ऊपर का काम है आप गाड़ी को निपटा दो, फिर डायरेक्टली इसको नीचे भेजते हैं। तो अभी जो आप देख रहे हो यहाँ पर, ये कैस्ट्रॉल का इंजन ऑयल यूज़ करता है टाटा मोटर्स। मैंने पहले भी वीडियोज़ में बता रखा है आपको कि कैस्ट्रॉल का मैग्नेटिक ऑयल जो है टाटा मोटर्स यूज़ करता है, सिंथेटिक ऑयल। तो ऑयल हमने ले लिया है और एक बैटरी वाटर जाएगा टॉपअप के लिए, और एक जो उसमें आपने स्टार्टिंग में देखा था ऑयल फिल्टर निकाला गया था, वो ऑयल फिल्टर चेंज होगा। तो नया ऑयल फिल्टर, ऑयल और हमारा बैटरी का जो वाटर है वो लेकर के हम चलते हैं इसको ऊपर और फिर टॉपअप वगैरह कराते हैं। तो ये है वो नया वाला ऑयल फिल्टर, जैसा कि आप देख रहे हो अभी पैकिंग से निकाला गया है, और ये नीचे जो उनका बोल्ट होता है उसी में जा करके वो टाइट हो जाता है, जैसा कि आप देख रहे हो यहाँ पर भैया टाइट कर रहे हैं। तो ये आपको फुल्ली टाइट होने के बाद वैसे ही छोड़ दिया जाता है, इसमें बाकी कुछ रेंच और किसी टूल की ज़रूरत नहीं होती। तो ये बस टाइट हो चुका है, और इस पर जो रिकमेंडेड लिखा होता है वो 15,000 किलोमीटर होता है, लेकिन जब शेड्यूल में है तो चेंज होगा ही होगा। तो ये जो है वो नया वाला इंजन ऑयल जो अभी हम नीचे से लेकर के आए थे, इसको डाला जाएगा। और क्वांटिटी इस बॉटल में थोड़ी ज़्यादा ही आती है, उतना पूरा पड़ेगा नहीं, जितना पड़ना होगा उसकी डिप ली जाएगी, उसके बाद देखा जाएगा कि लेवल आ गया है तो उसके बाद छोड़ दिया जाएगा। तो जितना अप्रॉक्सीमेटली 3.5 लीटर के आसपास इंजन ऑयल पड़ता है, तो 3.5 लीटर इंजन ऑयल डालने के बाद देखा आपने, ये देखा कि थोड़ा सा इन्होंने बचा लिया। तो बॉटल की जो कैपेसिटी है वो थोड़ी ज़्यादा है, लेकिन इंजन आप कंप्लीट फिल हो जाता है, तो उसकी कोई दिक्कत नहीं है। तो अभी जो आप प्रोसीजर देख रहे हो ये होता है, इसमें व्हील बैलेंसिंग की जाती है इस मशीन पर। तो जैसा कि आप देख रहे हो उसको पहले टाइट किया जाएगा, तो जैसा कि लगे कि अपने ओरिजिनल जगह पर ही है, गाड़ी में ही लगी हुई है, तो उसको टाइट किया जाएगा पहले। उसके बाद इसमें जितने भी गिट्टी या जो कुछ भी फंसा होता है, कुछ भी पार्टिकल या कुछ भी मटेरियल अगर आपके टायर में फंसा हुआ है, तो वो सारी की सारी चीज़ें निकाली जाती हैं बाहर एक एक करके। टायर बिल्कुल क्लीन होना चाहिए इसको रोटेट कराने से पहले। उसके बाद ये जो मशीन आप देख रहे हो उसका कैप जो है बंद कर दिया जाता है, और टायर रोटेट करता है इसके अंदर, और उसके बाद बताता है कि किस तरफ अंदर बाहर दोनों साइड में वेट लगाए जाते हैं। तो जो पुराने वेट ये जो हैं, ये डिफरेंट वेट के ग्राम्स, मतलब जितना भी यहाँ डिस्प्ले पे लिख करके आता है उस हिसाब से वेट लगाए जाते हैं। तो अभी जो लग रहा है मेरे टायर में जितने भी लगे हैं वो सारे 10 ग्राम के हैं, वो सारे के सारे 10 ग्राम वाले वेट लगे हैं। दो टायर हो चुके हैं और अभी दो बचे हैं, उनमें देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता। पहले के जितने भी वेट्स लगे होते हैं उन्हें निकाल दिया जाता है, और अंदर बाहर दोनों साइड, जैसे ये आप देख रहे हो, मैंने अभी दो टायर्स का बाहर की साइड से दिखाया है, ये अंदर साइड की तरफ से मैं दिखा रहा हूँ। इसमें अंदर साइड भी जो अभी भैया निकाल रहे हैं ये वेट लगा हुआ था। उसके बाद चेक किया जाता है टायर में जितनी भी गिट्टी या जो कुछ भी फंसा होता है उसको निकाला जाता है। ये वाला जो एरो है ये डिनोट करता है अंदर साइड जितने भी वेट लगने हैं अंदर साइड के बैलेंस को, और ये वाला जो है वो बाहर वाले साइड को दिखाता है। तो बाहर वाला साइड हमारा बैलेंस है, अंदर वाले साइड पे हमें ये जो ऊपर लिख करके आ रहा है ये वेट है 15 ग्राम का, तो 15 ग्राम का वेट लगेगा अंदर की साइड पर। दोनों साइड ग्रीन हो गया है और 0-0, मतलब ये टायर पूरा बैलेंस्ड है।
तो अब जो दूसरी वाली सिस्टम आप देख रहे हो, ये जो टायर्स में कुछ चीज़ें लगाई जा रही हैं, ये होते हैं सेंसर, और आगे जो सामने सिस्टम में आप देख रहे हो वहाँ पर ऊपर जो दो लगे हुए हैं गोल गोल, वो होते हैं इसके रिसीवर्स। तो ये जो सेंसर होता है ये बेसिकली लगा करके आपके चारों टायरों में लगाया जाता है, उसके बाद हल्का सा मूवमेंट किया जाता है टायर में, और जो सेंसर्स हैं उनके थ्रू जो सिग्नल जाते हैं वो कंप्यूटर्स में जाते हैं, और कंप्यूटर बताता है कि जो आपकी गाड़ी का अलाइनमेंट है वो किस तरीके का है। उसके बाद नीचे की साइड में एक सीढ़ी होती है जिसके अंदर जा करके वो उसको टाइट करके उसका जो अलाइनमेंट है उसको एडजस्ट करते हैं, जितना भी टाइटनेस या लूजनेस की ज़रूरत होती है। मेरे स्टेयरिंग में एक प्रॉब्लम और आ रहा था हल्का सा प्ले का, वो भी मैंने बता दिया, तो उसका देखते हैं क्या किया जाता है, लेकिन अलाइनमेंट में कुछ खास समझाने वाला नहीं होता है। और मैं सामने से इसलिए नहीं दिखा सकता था डिस्प्ले को जैसा कि मैंने बैलेंसिंग वाले में दिखाया, क्योंकि इसमें सेंसर्स के बीच में अगर आप आ जाओगे तो वो डिटेक्ट नहीं करता है, और इसमें ये चारों सेंसर्स लगाने के बाद गाड़ी आपकी मूव की जाती है और हल्का सा आगे और हल्का सा पीछे की जाती है, और उसके बाद जो सिस्टम है ऊपर आप देख रहे हो जो दो एंटेना लगे हैं वो इसके सेंसर्स को रीड करते हैं जो टायर में लगे गए हैं, उसके बाद फिर वो सिग्नल जाता है आपका कंप्यूटर में और वो उसको पूरा कंप्यूटराइज वे में कैलकुलेट करके बताता है कि किस साइड कितना अलाइनमेंट और क्या जो कुछ भी होता है वो। उसका टेक्निकल टर्म्स मैंने पूछे नहीं, मैं उनको डिस्टर्ब नहीं करना चाह रहा था क्योंकि पीछे और गाड़ियाँ ऑलरेडी लगी हुई थी। एक डिटेल्ड वीडियो अलाइनमेंट और बैलेंसिंग पे मैं बहुत जल्द करने वाला हूँ, तो उसमें मैं बात करूँगा कि अलाइनमेंट और बैलेंसिंग में बेसिकली होता क्या है स्टेप बाय स्टेप। तो अभी के लिए आप इतना समझ लो कि टायर में आपके सेंसर्स लगाए जाते हैं और सिस्टम बताता है कि आपका अलाइनमेंट किधर कितना गड़बड़ है, उस हिसाब से टाइट करके उसको एडजस्ट किया जाता है। तो अभी इसका एयरबैग खोला गया था जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हो, इसका एयरबैग निकाल करके वहाँ पर रखा गया है, वो वहाँ पर रखा हुआ है। तो इसके स्टेयरिंग में कुछ प्रॉब्लम थी, हल्का सा प्ले आ गया था, लेकिन अभी वो टाइट कर दिया गया है खोल करके, ये वाला जो बोल्ट है इसको टाइट करके एडजस्ट किया गया है। तो अभी फ़िलहाल सब कुछ हो चुका है, खाली वॉशिंग रह गई है, तो वॉशिंग वॉशिंग कराते हैं फिर निकलते हैं यहाँ से।